हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के एक और नए फ्रेश वीडियो पे। तो गाइस, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले GTA Vice City का रिमास्टर्ड वर्जन अपने GTA 5 पे। जी हाँ दोस्तों, होते हो यार, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा मैप मिल जाता है GTA Vice City का, वो भी अल्ट्रा HD। गाइस, इस मैप को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके आप इस मैप को जाके डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पास पास चार चीज़ें होना एकदम कंपलसरी है। पहला, आपके पास GTA 5 होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ओपन IV होना चाहिए। तीसरा, आपके पास ये Vice City रिमास्टर्ड वर्जन का मैप होना चाहिए। इसका साइज अप्रॉक्स 3 GB के आसपास है। तो भाई, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उतना डेटा नहीं है तो आप 400 MB के 6 पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो सिंगल पार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो लास्ट हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट आता है यार, यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको नीड है, तभी जाके आप इस मोड को अच्छे से खेल पाओगे। वरना देखो यार, लैग करके चलेगा, फिर आपको भी खेलने मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सिस्टम रिक्वायरमेंट सुन ले। आपके पास रैम मिनिमम 4 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड मिनिमम 1 GB होना चाहिए, एंड प्रोसेसर की बात करें तो i3 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। तो आराम से आप इस GTA Vice City रिमास्टर्ड के मोड को आप अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। वरना देखो यार, लैग करेगा, गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहो मेरे भाई, जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड आज का लाइक टारगेट है दोस्तों 201 लाइक। आई होप कि आप कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको Vice City रिमास्टर्ड का आपको यहाँ पर फाइल्स डाउनलोड कर लें। टोटल फाइल साइज अप्रॉक्स आपका 3 GB के आसपास है। अगर आप सिंगल पार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वो भी मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सुटेबल नहीं है, जो एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते, तो वह 400 MB के 6 पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो लास्ट का पार्ट है, जो 7th पार्ट है, उसका साइज अप्रॉक्स 300 MB है। तो यहाँ पर आपको सभी पार्ट डाउनलोड करना कंपलसरी है, तभी जाके आप यहाँ पर GTA Vice City रिमास्टर्ड खेल पाएंगे। और एक बात, GTA Vice City रिमास्टर्ड खेलने के लिए आपके पास GTA 5 होना एकदम कंपलसरी है। GTA 5 नहीं है तो वो भी आप मेरे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करना है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहां पर। तो आपको सेलेक्ट ऑल करना है एंड इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। एंड मेक एक बात और दोस्तों, जब यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, पासवर्ड मांगे एंड पासवर्ड है YTP और सभी कैपिटल लेटर पे है। सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है। दोस्तों, से एक्सट्रैक्ट होने में भी 5-10 मिनट ले सकता है, तो चलिए इसे एक्सट्रैक्टिंग होने देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। सिंपली आपको एक फोल्डर मिल जाएगा YC Cry Remastered 2.0, इसे आपको सिंपली मिनिमाइज करना है। एंड दोस्तों, उससे पहले आपके पास OpenIV इंस्टॉल होना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, तो गेम के मेन डायरेक्टरी पे जाना है। अब नहीं पता कि गेम का डायरेक्टरी कहाँ से मिलेगा, सिंपली आपको GTA 5 का आपको आइकन मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। सिंपली राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना, एंड ये रहा हमारा गेम का डायरेक्टरी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर का नाम रहेगा मोड्स। ओके, तो इस फोल्डर का नाम रहेगा मोड्स। ठीक है, इसे आप क्रिएट करना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको OpenIV को ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता है कि OpenIV को कैसे इंस्टॉल करना, आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर GTA 5 सेलेक्ट करना है एंड विंडोज पे आना है। पर हमारा ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एडिट मोड पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर यस करना है। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको ये जो ASI मैनेजर देख रहे हो, ये तीनों को आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो अगर आप न्यू OpenIV इंस्टॉल करोगे तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से टूल्स में आना है। यहाँ पर आपको पैकेज इंस्टॉलर मिलेगा, सिंपली इस पर जाना है। एंड गाइस, अब आपने जहाँ कहीं भी आपने फाइल्स को डाउनलोड करके रखा होगा एंड फाइल को एक्सट्रैक्ट किया होगा, सिंपली उस फोल्डर में आपको जाना है। तो ये रहा मेरा फोल्डर, सिंपली हम इसे चलते हैं। ओके, तो आपको इस वाली फाइल को सेलेक्ट करना है, YC Cry Remastered IV को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। सिंपली आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है एंड यहाँ पूछेगा कि आपको गेम के फोल्डर में इंस्टॉल करना है कि मोड्स के फोल्डर पर इंस्टॉल करना है। तो सिंपली दोस्तों, आपको मोड्स के फोल्डर पर इंस्टॉल करना है एंड इसे इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। तो बल्कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इंस्टॉलेशन होना चालू हो चुका है। दोस्तों, से इंस्टॉल होने में भी आपका 15-20 मिनट ले सकता है, तो चलिए इसे इंस्टॉलेशन होने देते हैं। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर एडिट मोड को यहाँ पर अनचेक करना एंड सिंपली इसे आप कट कर देते हैं। अब चलिए हम GTA 5 को ओपन करके देखते हैं एंड वो दोस्तों एंड देखते हैं कि हमारा GTA Vice City का मैप कहाँ पर हमारा इंस्टॉल हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं अपन एयरपोर्ट में एंड देन वहां से कहां जाना है मैं आपको बताना हूं। तो सबसे पहले चलो अपने गड्डी में बैठ के एयरपोर्ट चलते हैं। सिंपली आपको एयरपोर्ट पे आना है, एरोप्लेन को पकड़ना है एंड सिंपली आपको
एयरपोर्ट के सिंपली जहां से मैं यहां से टेक ऑफ करूंगा, सिंपली यहां से आपको स्ट्रेट पे चले जाना है। टेक ऑफ कर लेते हैं भाई साहब, रियल लाइफ में एरोप्लेन नहीं तो कम से कम GTA 5 में ही चला ले। एकदम स्ट्रेट जाना, एकदम स्ट्रेट। तो जैसे कि देख सकते हैं वो सामने आपको जो धुंधला धुंधला सिटी दिख रहा है वही है हमारा GTA Vice City। देख सकते हैं फाइनली हमने इंस्टॉल कर लिया अपने GTA 5 में GTA Vice City का मैप। इसी तरह अपने GTA 5 में GTA Vice City का मैप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत से सिंपल मेथड पे। तो बल्कि ऐसे अगर आप इंस्टॉल करोगे तो कोई एरर भी नहीं आएगा एंड आराम से आप GTA Vice City का लुफ्त उठा सकते हो। एंड इसमें आपको ट्रैफिक भी मिल रही है, पहले वाले में क्या था कि ट्रैफिक बहुत ही कम था, बट इसमें आपको ट्रैफिक्स भी मिल जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, बस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।